आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। बुद्धि के देवता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जल्द ही जगह जगह विराजने जा रहे हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत होती है। इस बार गणेश चतुर्थी शनिवार 7 या रविवार 8 को है, इसे लेकर तरह तरह की बातें प्रचलन में हैं। आइए जानते हैं गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त और विसर्जन की दिनांक और विसर्जन करने का शुभ मुहूर्त अर्थात सब कुछ। जानिए किस दिन रखा जाएगा गणेश चतुर्थी का व्रत। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुक्रवार 6 सितंबर की दोपहर 12:09 से शुरू हो रही है और अगले दिन शनिवार 7 सितंबर दोपहर 2:06 पर रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखना शुभ होगा और इसी दिन से भगवान गणेश की पूजा आराधना की जा सकेगी। इसके पश्चात 17 सितंबर मंगलवार के दिन अनंत चतुर्दशी के साथ गणेशोत्सव का समापन होगा। 7 सितंबर 2024 गणेश स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त जानिए। गणेश पूजा मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त अपराह्न 11:54 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। 7 सितंबर 2024 को विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से दोपहर 3:14 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:34 से अगले दिन सुबह 6:03 तक रहेगा। रवि योग सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अब जानिए गणेश विसर्जन का मुहूर्त मंगलवार 17 सितंबर 2024। जानकार विद्वानों का मत है कि विसर्जन के समय अनंत चतुर्दशी रहती है। गणेश जी के साथ भगवान अनंत की पूजा करें। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक। प्रातः मुहूर्त चर लाभ अमृत सुबह 9:11 से 01:47 तक। अपराह्न मुहूर्त शुभ दोपहर 3:19 से 04:51 तक। सायान मुहूर्त लाभ शाम 7:51 से 09:19 तक। रात्रि मुहूर्त शुभ अमृत चर रात्रि 10:47 से 18 सितंबर की मध्य रात्रि 3:12 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 16 सितंबर 2024 को 3:10। चतुर्दशी तिथि समाप्त 17 सितंबर 2024 को 11:44। गणेश विसर्जन पर चौघड़िया मुहूर्त जानिए। गणेश चतुर्थी पर गणेश विसर्जन शनिवार 7 सितंबर 2024 को। गणेश विसर्जन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त चर लाभ अमृत अपराह्न 1:34 से शाम 5:01 तक। सायान मुहूर्त लाभ शाम 6:35 से रात 8:01 तक। रात्रि मुहूर्त शुभ अमृत चर रात्रि 9:27 से रविवार 8 सितंबर को मध्य रात्रि 1:45 तक। उषाकाल मुहूर्त लाभ रविवार 8 सितंबर को सुबह 4:37 से 6:03 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी पर रहेगा चंद्र दर्शन निषिद्ध। जानकार विद्वानों का कहना है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्र के दर्शन करने से मिथ्या दोष अथवा मिथ्या कलंक लगता है, जिसकी वजह से दर्शनार्थी को चोरी का झूठा आरोप सहना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण पर स्यमंतक नाम की कीमती मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगा था। झूठे आरोप में लिप्त भगवान कृष्ण की स्थिति देख के नारद ऋषि ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखा था, जिसकी वजह से उन्हें मिथ्या दोष का श्राप लगा है।
नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को आगे बतलाते हुए कहा कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दौरान चंद्र के दर्शन करेगा वह मिथ्या दोष से अभिशापित हो जाएगा और समाज में चोरी के झूठे आरोप से कलंकित हो जाएगा। नारद ऋषि के परामर्श पर भगवान कृष्ण ने मिथ्या दोष से मुक्ति के लिए गणेश चतुर्थी के व्रत को किया और मिथ्या दोष से मुक्त हो गए। मिथ्या दोष निवारण मंत्र। चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और अंत समय के आधार पर चंद्र दर्शन लगातार दो दिनों के लिए वर्जित हो सकता है। धर्म सिंधु के नियमों के अनुसार संपूर्ण चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्र दर्शन निषेध होता है और इसी नियम के अनुसार चतुर्थी तिथि के चंद्रास्त के पूर्व समाप्त होने के बाद भी चतुर्थी तिथि में उदय हुए चंद्रमा के दर्शन चंद्रास्त तक वर्ज्य होते हैं। अगर भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वह है सिंह प्रसन्नम धीत सिंह हो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदी स्तवहीश स्यमंत कह। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश का जन्म मध्यान्ह काल के दौरान हुआ था, इसीलिए मध्यान्ह के समय को गणेश स्थापना और पूजा के लिए उपयुक्त माना जाता है। अंग्रेजी समय के अनुसार मध्यान्ह काल दोपहर के तुल्य माना गया है। मध्यान्ह मुहूर्त में भक्त लोग पूरे विधि विधान से गणेश पूजा करते हैं, जिसे षोडशोपचार गणपति पूजा के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं शुभ योग। गणेश चतुर्थी पर इस साल कुछ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। शुभ योग में पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्मा योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों ही योग बेहद शुभ होते हैं और फलदायी माने जाते हैं। इस दिन चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगा, इसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मा योग, इंद्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 12:34 से 8 अगस्त की सुबह 6:15 तक रहेगा। इस तरह से करें गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना। जानकार विद्वानों का मत है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मध्यकाल के किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें उनकी सूंड दाईं ओर हो, जनेउधारी हो और उसमें मूषक भी हो। प्रतिमा में गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को फिर वहां सिर्फ विसर्जन के समय ही हटाना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह से पवित्र रखें। इस पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। शुभ मुहूर्त में ही स्थापित करें, खासकर मध्यान्ह काल में किसी मुहूर्त में स्थापित करें। गणेश मूर्ति को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करें। वह जगह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी के पाट पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर ही स्थापित करें। एक बार गणेश मूर्ति को जहां स्थापित कर दे फिर वहां से हटाएं या हिलाएं नहीं। विसर्जन के समय ही मूर्ति को हिलाएं। गणपति स्थापना के दौरान अपने मन में बुरे भाव न लाएं और न ही कोई बुरे कार्य करें। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन न बनाएं, सात्विक भोजन करें। गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा आरती करें और फिर प्रसाद वितरण करें। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एकदंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है
कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।